Welcome students. In this video we are going to study about ionization potential, its definition, its fact and its trends in group as well as in period, hai na. So now what is ionization potential? It is the amount of energy required to remove, required, see here, आपको ये समझ में आना चाहिए, amount of energy required, ये याद रहना चाहिए, required to remove a loosely bound electron from its valence shell. This ionization potential is also expressed in I dot P dot. So it is the amount of energy required, ये वो energy है जो atom अपने में से, सॉरी, जो एटम एब्जॉर्ब करता है, है ना. इट्स यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, इसलिए ये यूनिट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, इट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसी की जैसा एक और प्रॉपर्टी होती है, उसमें एनर्जी रिलीज़ की जाती है, तो वहाँ पर एनर्जी कैसी, यूनिट कैसी हो जाएगी, माइनस में. व्हाट आर इट्स फैक्टर? फैक्टर्स आर एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, है ना. नाउ सी हियर, मैग्नीशियम आई एम टेकिंग हियर. मैग्नीशियम, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 12, सो इट्स कन्फिग्रेशन विल बी 2 8 एंड 2 2 8 एंड 2. नाउ व्हाट विल हैपन हियर इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, देखिए. सी, दिस 2, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज 2, दिस इज 8 एंड दिस इज अनदर विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज अनदर विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सी हियर, यहाँ पर लास्ट शेल को हम कह सकते हैं वैलेंस शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. अब देखिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए देयर आर 2 कंडीशंस, वेदर इट विल टेक 6 इलेक्ट्रॉन और विल गिव दिस 2 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज मोर ईजी, है ना. ये क्या करेगा, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा. अब डोनेट एक साथ तो दोनों करेगा नहीं, सो व्हाट दिस मैग्नीशियम विल बी डू, ये क्या करेगा, अपने में से एक एक इलेक्ट्रॉन देगा. नाउ सी हियर, दिस इज अवर मैग्नीशियम. मैग्नीशियम व्हेन गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, व्हेन गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो गया, दिस कन्वर्ट्स इन टू Mg. अब इस समय जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब की है उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सी हियर, बिकॉज इट कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है. तो जब वो पहला इलेक्ट्रॉन देगा तब वो क्या बन जाएगा, तब जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उस एनर्जी को हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. अब क्या होगा, देखिए, अब ये क्योंकि ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा तभी ये स्टेबल होगा, तब ये इस कंडीशन में आ जाएगा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग. अब ये क्या करेगा, ये वाला मैग्नीशियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया. नाउ व्हाट इट बिकम्स, ये क्या बन गया, Mg. पहले से एक इलेक्ट्रॉन कम था, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो ये बन गए Mg2+. तो ये क्या हो गई, इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना. इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख देते हैं. नाउ सी हियर, व्हेन एनी मेटल कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव आयन by losing its
इलेक्ट्रॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्योंकि ये पहली बार फर्स्ट मेटल में से पहली बार जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तब उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये वाला एम प्लस जो ऑलरेडी अपने में से इलेक्ट्रॉन दे चुका है, अब ये मान लीजिए अपने में से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा, एम टू प्लस। इस कंडीशन में जब ये ऑलरेडी एनायन सॉरी जब ये ऑलरेडी कैटायनिक फॉर्म में है या आयन फॉर्म में है, जब कोई सा आयन अपने में से एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब उसको हम कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट वाले में क्या था, गैशियस फॉर्म में था, ये सेकेंड वाले में आयन फॉर्म में हो गया। हम और भी ऐसे ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैन गिव थ्री। देखिए एल्यूमिनियम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज थ्री, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम अपने में से देगा Al प्लस, इट विल बिकम Al प्लस बाय गिविंग वन इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी एनर्जी हो गई, फर्स्ट एनर्जी हो गई, देन अपने में से एक और देगा, अब कौन देगा, अब ये वाला पार्ट देगा, है ना, अब Al प्लस अपने में से इलेक्ट्रॉन देगा, अब क्या बन जाएगा, ये टू प्लस बन जाएगा। फिर से इसने अपने में से इलेक्ट्रॉन दिया और जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो हो जाएगी आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब Al टू प्लस, अब ये वाला आयन अपने में से एक इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा Al थ्री प्लस, तो ये हो जाएगी उसकी थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये डिपेंड करता है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आप रिलीज़ कर रहे हैं वो किस स्टेट में है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में जो था, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, जो फर्स्ट फॉर्म में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसको हमने कहा फर्स्ट आयोनाइजेशन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने में जो हमने आयोनाइजेशन, जो हमने एनर्जी एब्जॉर्ब की है किसने, इस एटम ने, उसको हम कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम जब रिलीज़ कर रहे हैं उस दौरान जो आयन हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब फैक्टर्स इसके क्या हो गए, फैक्टर्स ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये याद रहेगा तो आपको याद रहेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, ये इसकी ट्रिक है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। अब देखिए ये कैसे बढ़ेगा या कैसे कम होगा, देखते हैं। देखो एटॉमिक साइज, जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना ही लास्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के सेंटर के थ्रू अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्या होगा, एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज बड़ा होगा, देखिए मान लीजिए एटम का साइज इतना बड़ा है तो सेंटर से इस यहाँ का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अब एटम आपका छोटा सा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए कह रहे हैं मोर द एटॉमिक साइज लेस इज द न्यूक्लियर चार्ज। अब जितना कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगी। तो क्या होगा आपका, दिस विल बी और इस कारण से आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है ना। नाउ सेकेंड इज अवर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा आपका, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अब देखो बेटा न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, क्योंकि यही चार्ज है।
अब इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट प्रोटॉन पर पड़ता है, सॉरी न्यूक्लियस पर पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस पर क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन इज प्लस चार्ज, और बाहर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही प्रोटॉन बढ़ेगा, उतना ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मजबूती से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहेगा। उसके कारण से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो कितना होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगी। तो कैसे याद रखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। अब हम इधर आते हैं, एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियर, एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है तो जब देखिए यहाँ छोटा एटम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बड़ा एटम है तो अट्रैक्शन कम होगा। अब अट्रैक्शन कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल में है वो लूजली बाउंडेड होगा, तो उसको निकालने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसलिए एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रेंड्स क्या है इसके। देखिए ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम, ग्रुप का मतलब अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं, हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2 1 11, सोडियम का 11 2 8 1, पोटेशियम इज़ अवर 2 8 8 एंड 1। देखिए लास्ट में सबके वन वन शेल है, पर देखिए आप हर बार एटॉमिक साइज बढ़ा है। हियर वी आर हैविंग 2 शेल्स, हियर 3 शेल्स, एंड हियर वी आर हैविंग 4 शेल्स। एटॉमिक साइज बढ़ा है, एटॉमिक साइज बढ़ा है तो क्या हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया। देखिए यहाँ पर 2 शेल्स थे तो इस इलेक्ट्रॉन को, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, दिस इज़ अवर न्यूक्लियस 2, एंड हेयर वी आर हैविंग 3, ये इलेक्ट्रॉन है इसमें, एंड दिस इज़ अवर इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कोई सा एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब आप बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में क्या, एटॉमिक साइज कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब आप तो ये टाइटली बाउंडेड होगा तो इसको एनर्जी देने में आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसको रिलीज़ करने में। अब ये कैसा है, एटॉमिक साइज बढ़ गया तो क्या हो गया, एटॉमिक साइज बढ़ा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हुआ है। यहाँ पर बहुत डिस्टेंस है, देखिए यहाँ न्यूक्लियर सेंटर से लेकर इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर, सॉरी डिस्टेंस बहुत बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा है तो अट्रैक्शन कम हुआ होगा। अब अट्रैक्शन कम हुआ है इस इलेक्ट्रॉन का इस सेंटर के लिए तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगी, अब ये बहुत आराम से निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर एनर्जी कम देनी पड़ेगी। देयर फॉर इन ग्रुप द आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इट डिक्रीजेस। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप, सॉरी पीरियड। देखिए पीरियड्स का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट। पीरियड हम कहाँ से पढ़ते हैं, पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में हम एग्जांपल लेते हैं फिर से वही लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन। लिथियम इज 2 1, बेरिलियम इज 2 2, एंड दिस इज अवर 2 एंड 3, लिथियम बेरिलियम एंड बोरॉन। नाउ सी हियर, इसमें क्या है 2 शेल्स, इसमें भी 2 शेल्स, इसमें भी 2 शेल्स। 2 शेल का मीनिंग 2, पर आप देखिए हर बार क्या हुआ है, हर बार इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हुए, है ना।
दिस रेड मार्क इज अवर इलेक्ट्रॉन. ये जो रेड मार्क है बेटा ये हमारा इलेक्ट्रॉन. अब इसमें देखिए उसी डिस्टेंस में, ये जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक का, सेम डिस्टेंस में एक इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पर सेम डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है. सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हुई. अब हर बार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा. अब जैसे जैसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका एटॉमिक साइज जो होगा वो कम हो जाएगा. देखिए कैसा होगा, ये ऐसे था, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. अब आप बताइए किसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी. नाउ सी हियर, आप देखिए इसमें पास में है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा है, इसीलिए जब आप, तो यहाँ पर एनर्जी, नाउ हियर इट इंक्रीजेस, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. And here it decreases. ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है. पर पीरियड्स में जब हम पढ़ते हैं कैसा, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स इट इंक्रीजेस. क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयर फॉर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, therefore energy required to remove last electron is also increases. I hope you have understood through this video ionization potential. Thank you for watching it, and in next video we will be seeing electron affinity and its trends.